हमारी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। जो उनकी बुकिंग हुई है वो लोग कहाँ जाएंगे? तो 50,000 हमने भरा हुआ है एडवांस, क्या हुकूमत देगी हमें? निकालने का भी टाइम नहीं दे रहे और ये डिमोलिश भी कर रहे हैं, तो पूरा ये नहीं कि चलो आगे स्ट्रक्चर को बाहर के छेड़ दें, ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर भी बहुत है, नुकसान है हमारे लिए, वो अंदर तक पूरा का पूरा ये नहीं कि इनको पता है कि हमारा सामान अंदर कीमती सामान है, वो तो कम से कम हम जो बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग कुछ ना कुछ अपने एक आध कुछ टाइम तो अपना गुजारेंगे, किचन तो चलाएंगे ना, लेकिन वो पूरा अंदर तक डिमोलिश कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई वेट कर लो, हमारा कोर्ट का रिव्यू का जब फैसला आ जाएगा हम खुद इसको डिमोलिश कर देंगे, सामान तो निकाल देंगे आराम से, खुद डिमोलिश कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन इतना तो टाइम दे कम से कम कि हमें रिव्यू का तो हमें फैसला आने देना। हमारा टोटल डैमेज है, टोटल डिमोलिश है, ये तो नए सिरे से फिर हमने हमारी ये तो जिंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हो गई, और यहाँ पर कितने 20-25 लोग बरसरे रोज़गार थे वो सब ख़त्म हो गया, हमारा 30 साल का बिज़नेस ख़त्म हो गया। अब बताइए हम लोग क्या खाएँगे, किस तरह कमाएँगे? पहले भी 2002 में इनकी पॉलिसी आई रेगुलाइज़ करने की, वो हमने तब भी कागजात जमा किए, अब 2017 में जेड फॉर्म और उनके रेगुलाइजेशन की पॉलिसी आई वो भी हमने जमा किया, हमको तो इवन इसके कमर्शियल के चलान भी मिले हुए हैं कि इलेक्ट्रिक का सब जगह का कमर्शियल चलान है, कमर्शियल टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें तमाम हमारा जो जितने भी जो टैक्सेस हैं सब कमर्शियल कर रहे हैं, इवन FBR का जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं वो भी कमर्शियल बेस पर दे रहे हैं, हम लोग कारोबार कर रहे हैं, हमारा लाइन वाटर गैस बिजली सब कमर्शियल है सर। 28 जनवरी 2022 को फैसला सुनाया था कि ये गैर कानूनी है तो इनको लायबल टू बी डिमोलिश का ऑर्डर उस वक्त भी नहीं था, उन्होंने कहा था लायबल टू बी डिमोलिश, ये नहीं कि फौरी जाके तोड़ दिया जाए, उसके जो उसका टाइम होता है रिव्यू का आप तकरीबन एक महीने का टाइम होता है, उसके अंदर हम लोगों ने जो रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल कर दी, कोर्ट में चला गया, नंबर केस नंबर भी अलॉट हो गया, डायरी नंबर भी मिल गया हमें। अब जब रिव्यू पिटीशन में चलेगा समझ लें, उस रिव्यू पिटीशन हेयरिंग का वेट कर रहे हैं हम लोग, उस वक्त इतना तो हमारे लिए इंतजार करना चाहिए था कि कम से कम हम हेयरिंग में जाते तो रिव्यू का हमारे पास एक कानूनी हक है, एक लीगल राइट है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है कि हमें वेट नहीं किया जा रहा, कोई बिल्कुल हमें एक दिन नोटिस ना कोई नोटिस दिया, बस वो जो जजमेंट ऑर्डर आया हुआ 28 जनवरी का उसके बाद इन्होंने अचानक से आके आज हम पे आगे धावा बोल दिया, हम इनको पिटीशन हमारे पास है सब इनको दिखाया लेकिन उसके बावजूद सुन नहीं रहे, हालांकि यार ये कानूनी हक है हमारा कि जब तक हमारा हेयरिंग नहीं होती है कोर्ट में तो हमें कोई डिमोलिशन कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये क्लियरली आपके सामने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब हम ये जितने लाखों मजदूर हैं हमारे फैमिलीज इस हॉल से जुड़ी हुई हैं, इतना करोड़ों का नुकसान है हमारा, 25-30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 25 सालों से नज़र नहीं आया कि ये गैर कानूनी है। ये सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पटिशन में गए हुए हैं, इस्लामाबाद में वो हमारी पटिशन जमा है, और एक उस लिहाज से हमको तो एक महीने का टाइम मिला हुआ है, तो उसके बावजूद ये लोग तोड़े, हमने सब जगह लेटर लिख के इनको इतला दी हुई। हमारे कम से कम भी लाखों की लेबर बताता हूँ, ये लाखों की लेबर है जो कि उनकी फैमिलीज हैं, और केटरिंग वाले लेबर दिहाड़ीदार तबका है जो दिन रोज शादी होती है उसको उनको अपनी दिहाड़ी मिलती है, वो लेबर है, उनके घर वाले हैं, फिर केटरिंग वाले आते हैं, साउंड वाले हैं, जनरेटर वाले हैं, बहुत लोग हैं, जितने लोग हैं अब सब बेरोज़गार हो जाएंगे इसमें, इवन जब जो इनकी बुकिंग हुई है वो लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी तो फैसला आज जिनका प्रोग्राम था वो बेचारे तो रुल गए, उनका खाना बना हुआ है केटरिंग का, बारात है, लड़कियों की रुख्सती होनी है, वो कहाँ जाएंगे? अब आपने कोई मॉल ग्राउंड तो छोड़े नहीं है यहाँ पे कि ग्राउंडों में करें, अब वो कहाँ करेंगे? उनके 100 गज के 120 गज के घर हैं यहाँ पे गोरंगी में ज़्यादातर, अपने घरों में 500 अफराद 400 अफराद कैसे ला के बैठाएंगे वो? टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारी शादी तो बस इसी मंथ है, हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर करेंगे बताएं? हमारे पास तो दिन ही नहीं है, कार्ड छपे में सारा कुछ हुआ हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, इतने परेशान हो गए, यहाँ तो इतनी तबीयत खराब हो रही है, परेशान कर दिया इन्होंने तो एकदम से, बिना किसी ऑर्डर के बिना किसी बात के इन्होंने हॉल तोड़वा दिए, एकदम से बने हुए चलते हुए काम को उन्होंने रोक दिया, ये कहाँ जाएंगे? सर हम तो इतना करेंगे जो हम जो कर सकते हैं, हम तो उनके पैसे रिफंड कर देंगे,
लेकिन उनका तो आज का तो सिर्फ यहाँ हॉल का तो बात नहीं है ना, जो उनका जो अपना जो उनकी इज्जत वाली बात आती है, फिर उनका जो केटरिंग में जो खाना पका हुआ होगा वो जाया जाएगा खाना। मेहमानों का कार्ड दिया, उनकी बेइज्जती है, उनकी इज्जत है तो उनकी तो वो हो गई ना। पैसे तो हमारे, तो हम तो उनको वापस करेंगे, अब तो अपने जेबों से जो भी हमारे पास है सब वापस करेंगे, उनका तो वो देना है हमने। लेकिन ये सिर्फ पैसों से उनका नहीं होगा ना कुछ भी। कह रहे हैं कि ये तो हमारी करोड़ों की जगह है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं आप शाम को आप बात करते हैं, शाम को ये हमें नहीं मिले तो क्या हुकूमत हमें पैसे देगी? ये जो 50,000 हमने भरा हुआ है एडवांस, क्या हुकूमत देगी हमें? हुकूमत जवाब दे, कौन बैठा है हमें पैसे देने के लिए? इतने कितने लोग होंगे जिन्होंने हॉल बुक किया हुआ है, क्या उनको पैसे देगी हुकूमत? मेरे भाई की शादी है, हमारे वालिद नहीं है, हम खुद भाई बहन मेहनत करते हैं, हम लोग खुद ये काम करके हम लोगों ने किस तरीके से शादी अरेंज की है हम जानते हैं। कार्ड तो हमारे सारे बढ़ गए, अब किस तरह हम मेहमानों को बताएं, किस तरह बोलें, बताएं किस तरह उनको मना करें कि हॉल हमारा टूट गया है, या कहाँ हॉल अरेंज करें, जब 50,000 हम यहाँ भर चुके हैं, बाकी की रकम हम कहाँ से लेकर आएँ भरने के लिए? हॉल कहाँ से अरेंज करें? दूसरे घर के पास भी करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, वो कहाँ से अरेंज करेंगे?